खबर नहीं थी, मैं तो पूछ रहा था, मैं इसीलिए सोच रहा था कि आप लोग कहीं लेट ना हो जाओ। ये तो मुझे पता था कि विमल सर क्लास ले रहे थे 3 से 4, बोर्ड पे पढ़ाया है, फिर इंपल्स वाले बोर्ड पे ही पढ़ाया है। आपको कौन बताता है तुरंत तुरंत की खबर? अरे आपको ये नहीं पता कि इंपल्स कोचिंग में हमने झाड़ू लगाने से लेके सारा काम किया है, तो उसकी आत्मा तक हमें जानती है। तो पक्का हो गया आपके स्पाइस? अच्छा बेहद, चलिए लेट स्टार्ट करें। तो हमें लगता है डीएनए रेप्लिकेशन की काफी मैकेनिज्म कल हो गई थी। मैं 2 मिनट में रिपीट कर दूं इसे, 2 मिनट में रिपीट कर दूं। बोलिए, पहले ही हुआ था कि जल्दी जल्दी रिपीट कर दूं। और तो इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। तो मैं इसे जरा जल्दी जल्दी रिपीट कर दूं, और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कि ये डीएनए का मॉलिक्यूल है और ये रेप्लिकेशन जहां से शुरू करेगा उस जगह का नाम था ओरी साइट, और एक ओरी साइट से जितना रेप्लिकेशन हो जाएगा उसका नाम था एक रेप्लिकॉन, और इसके लिए करीब 13 एंजाइम्स जिम्मेदार हैं, और ये जो 13 एंजाइम्स जिम्मेदार हैं इनको कहते हैं रेप्लियोसोम। क्लियर है? अच्छा एक बात और है, डीएनए मैं रिपीट कर रहा हूँ, डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है और क्रोमोसोम पे होता है, और ये लेकिन डीएनए बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। याद आया? न्यूक्लियोप्लाज्म पहले 2 ATP खर्च करके, 2 ATP इक्विवेलेंट खर्च करके इसको एक्टिवेट करेंगे। कौन सा एंजाइम लगेगा याद है आपको? फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो ये ट्राई फॉस्फेट हो जाएगा। नाउ दिस ट्राई फॉस्फेट इज ट्रांसपोर्टेड अप टू द रेप्लिकेशन साइट, और रेप्लिकेशन साइट पे पहुंच के इसके ट्राई फॉस्फेट के जो 2 फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं उन 2 फॉस्फेट बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा, और ये काम फॉस्फेटेज एंजाइम करेगा। और 2 बॉन्ड तोड़ने के बाद ये न्यूक्लियोटाइड रिलीज हो जाएगा एज ए मोनोमर, एज ए रॉ मेटीरियल, और ये जो 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे उसकी एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी। ओके ना? तो हमने कहा था दिस ट्राई फॉस्फेट वर्क्स एज ए ड्यूअल फंक्शन, ड्यूअल नेचर है इसका। याद आया आपको? इतनी है? तो एक न्यूक्लियोटाइड को ट्रांसपोर्ट करने में कितनी एनर्जी खर्च हो गई? बोलिए, ट्रांसपोर्ट करने में कितनी सारी एनर्जी खर्च हो गई? दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये था तो 2 ATP इक्विवेलेंट तो खर्च हो गया सिर्फ क्या करने में? ट्रांसपोर्ट करने में। क्यों भाई? और अब एक बात और है, लेकिन उसके बाद उससे पहले एक काम था कि इसके माउथ को ओपन किया जाए, और इसका माउथ जब ओपन होगा तो कौन ओपन करेगा? हेलिकेज एंजाइम ओपन करेगा। बोलिए, हेलिकेज एंजाइम, आफ्रा। क्लियर है? और यस ये सर। हेलिकेज जितना एक बार में ओपन हो गया उसे कहते हैं निक। क्या कहते हैं? निक कहते हैं। और ये मैंने कहीं ऊपर फिगर बनाया था कि मान लो 3 बार में ओपन हो, 4 बार में ओपन हो, और इस तरह से ये जो है ओपन हो, तो देन इट विल ये जो है ये इसको ये था, हमने आपसे कहा था कि 3 बार में इसको ओपन करेंगे।
तीन बार, चार बार, पांच बार में, तो उतने निक्स यहाँ पे हो जाएंगे। और कहा था वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा, इसमें एक एंजाइम और लगेगा, उस एंजाइम का नाम है टोपो आइसोमरेज, याद आया? तो ये डीएनए, इसके लिए एंजाइम लगा था टोपो आइसोमरेज, और एक एंजाइम और लगा था, क्या नाम था उसका? एसएसबी, याद है मोहिनी? यस सर। ये एसएसबी लगेगा और इस तरह से ये धीरे धीरे ओपन होता जाएगा, एक बार में जितना ओपन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज निक। तो ये वाई के आकार का मुझे एक रेप्लिकेशन फॉर्क मिल जाएगा। अब धीरे धीरे ओपन होता जाएगा और धीरे धीरे सीधा होता जाएगा, तो ये एक मिल गया था। और दोनों पे डीएनए बनाना शुरू कर दीजिए, दोनों पे डीएनए बनाना शुरू कर दीजिए, ये इंतज़ार ना करिए कि पूरा ओपन हो जाए। ये और एक बार में पूरा क्यों नहीं ओपन कर लेते, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ढेर सारी क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी, उतनी एटीपी सेल अवेलेबल नहीं करा पाएगा, इसीलिए ये कार्यक्रम इंस्टॉलमेंट पर हो रहा था। और ये था, जब ये मुझे टेम्पलेट मिल जाएगा तो मैं इस पे डीएनए बनाना शुरू कर दूंगा। ये है 3', ये 5', और अब एक समस्या और आ गई डीएनए बनाने में, कि यहाँ एक प्राइमर बनाना पड़ेगा। क्यों भाई? प्राइमर बनाना पड़ेगा, कौन बनाएगा? प्राइमेज एंजाइम। किस लिए बनाएगा? किस लिए बनाएगा? एज ए बेस फॉर अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एज ए बेस फॉर अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ओके ना? फिर उसके बाद क्या होगा, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और इसका डीएनए बनाना शुरू कर देगा। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा? डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, वो प्रूफ रीडिंग करने है। क्या मैं ये कह दूं कि डीएनए पॉलीमरेज 1 इज ए मल्टीपल यूटिलिटी एंजाइम? बोलिए। यस सर, मल्टीपल यूटिलिटी एंजाइम है, और इसने इस प्राइमर को डाइजेस्ट किया एक काम, इस प्राइमर की जगह डीएनए बनाया दूसरा काम, दूसरा काम इस प्राइमर की जगह डीएनए बनाया, और भी जो गड़बड़ियां थी वो ठीक किया। पुराने वाले डीएनए पे थोड़ी गड़बड़ी थी तो उसे काट के डिलीट करके बना के फिर जोड़ा गया, उसे कहते हैं रिपेयरिंग। और रिपेयरिंग में आपको कुल कितने एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी? आई थिंक 3 एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, और ये रिक्वायर्ड। तो एंजाइम ऑफ रिपेयरिंग कौन सा एंजाइम है? एंजाइम ऑफ रिपेयरिंग। चलिए, तो इतनी सारी बातें आपको पता चल गई, लेकिन थोड़ी सी बात और बची है, वो भी कर ली जाए। और डीएनए रेप्लिकेशन पे जब इतनी सारी बात कर ही लिया है, तो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि इसे भी फिनिश किया जाए। अब चलिए, ये बात भी हम कल कर ही चुके थे, हम इसको अब मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पे दोबारा आते हैं। कुछ चीज़ें हमें पहले से पता हैं, उनको फिर से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। और ये चलिए अब यहाँ से शुरू करता हूँ एक बार फिर से। और मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और मैं थोड़ा थोड़ा सा फिगर बनाता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, और डीएनए का मॉलिक्यूल है ये, इसकी ओरी साइट है, ये एक रेप्लिकॉन है। सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम इसको थोड़ा सा ओपन करेगा, और ये डीएनए इस तरह से छल्ले बना लेगा जितना ओपन होगा, और बाकी जो है धीरे धीरे ओपन होगा, पूरा एक बार में ओपन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो है इतनी एनर्जी अवेलेबल, एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं।
उसके बाद टोपोआइसोमरेज एंजाइम और एसएसबी ने मिल के इसको क्या किया, सीधा कर दिया, तोड़ के सीधा कर दिया। कौन से दो एंजाइम्स, एक टोपोआइसोमरेज और एक एंजाइम एसएसबी। ओके, और इसे आपने कहा था वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। एक बार, ये इसका 3' टर्मिनल है, ये इसका 5' टर्मिनल है। अब यहीं पे मैं लिख रहा हूँ और लिख रहा हूँ इन वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। और यहीं से अब मैं लिखना शुरू करूँगा, एक एक करके पॉइंट वाइज बात देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये दोनों द टू स्टैंड्स आर नाउ ओपन, टू स्टैंड्स आर नाउ ओपन एंड कैन वर्क एज टेम्पलेट, और कैन वर्क एज टेम्पलेट। आप कहोगे ये बात लिख क्यों रहे हैं आप, ये बात तो पहले हो चुकी है, इसीलिए ओपन ही किया था कि इट कैन वर्क एज ए टेम्पलेट। क्यों भाई, बोलिए नेहा, नेहा आर यू देयर? और नेहा, तो मैं ये कह रहा था हमने ओपन ही इसीलिए किया था कि ये जो है ऐसा कर लेंगे। क्लियर है मेरी बात? चलिए दूसरा पॉइंट, एक और दूसरा पॉइंट एक और इम्पोर्टेंट है। दोनों ओपन हो गए, दोनों ओपन हो गए, कैन वर्क एज टेम्पलेट। और द स्टैंड, अब ये इंफॉर्मेशन नहीं है, द स्टैंड विद ओपन 3' टर्मिनल, ओपन 3' टर्मिनल टर्मिनल। जरा एक बार फिर से समझ लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई। ये डीएनए के दोनों धागे हैं, ये वाला धागा 3 to 5 है, ये वाला 5 to 3 है, तो इसका ओपन टर्मिनल 3', इसका ओपन टर्मिनल 5'। कोई एतराज है आपको, बोलिए। तो ये 3' टर्मिनल और ये क्या है, 5' टर्मिनल। तो अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में बात कर रहा हूँ, और ये उसके बाद इसके बारे में बात करूंगा। क्या मैंने लिखा, जरा फिर से बता देते, द स्टैंड विद ओपन 3' टर्मिनल। हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी बात कर रहे हैं, पहले वाले की कर रहे हैं कि दूसरे वाले की, पहले वाले की कर रहे हैं, पहले वाले की कर रहे हैं। द स्टैंड विद ओपन 3' टर्मिनल, ओपन 3' टर्मिनल इज कॉल्ड लीडिंग टेम्पलेट, is called a leading template, leading template कहते हैं, and the strand with open 5' terminal is called, जिसका 5' terminal है open, is called a lagging template। फिर से बताइए, डीएनए के दो धागे हो गए, दोनों ओपन हो गए, दोनों ओपन हो गए और ओपन हो गए, ये बताइए इस वाले को क्या कहोगे, जल्दी से बताइए इस वाले को क्या कहोगे, लीडिंग टेम्पलेट। इस वाले को क्या कहोगे, भाई डीएनए के दोनों धागे अलग हुए हैं, तो एक को लीडिंग, एक को कौन सा लीडिंग, जिसका 3' टर्मिनल ओपन, 3' टर्मिनल ओपन है उसी को कहा जाएगा। और इस तरह से जरा एक बात और बताइए, और डीएनए रेप्लिकेशन इस और टेक्स प्लेस, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ऑन बोथ टेम्पलेट्स साइमल्टेनियसली, बोथ टेम्पलेट्स साइमल्टेनियसली, कह रहे हैं दोनों पे बनाना शुरू कर दीजिए, साइमल्टेनियसली दोनों पे बनाना शुरू कर दीजिए। और इस तरह से दोनों पे बनाना शुरू कर दीजिए,
तो इस पे भी डीएनए बनाना शुरू कर दीजिए, इस पे भी। एक बार मैं फिर याद दिला दूं, डीएनए बनाने की मैकेनिज्म क्या थी। ये ओपन स्टैंड है, ये इसका 3' टर्मिनल है, ये इसका 5' टर्मिनल है। यहाँ बनाइए आरएनए प्राइमर, तब डीएनए बनाइए। बोलिए बोलिए भाई। yes, एकदम क्लियर है ना, यही मैकेनिज्म है ना। तो जरा एक बात बताइए, तो डीएनए बनाना है कहाँ बनाना है, ध्यान से बताइए मुझे। डीएनए कहाँ बनाना है, इस पर भी बनाना है और इस पर भी, दोनों पर बनाना है। एकदम बड़ा मन से ध्यान से सुन के बताइएगा, ध्यान से सुन के बनाइए। यहाँ भी बनाना है, यहाँ भी बनाना है, और इस तरह से। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको, बोलिए बे। यहाँ बनाना, ये टेम्पलेट का काम करेगा, ये भी टेम्पलेट का काम करेगा। टेम्पलेट हमेशा इस्तेमाल होता है 3 to 5। फिर से बताइए, टेम्पलेट इज ऑलवेज यूज्ड एज 3 to 5। इस पे डीएनए बनाना शुरू होगा तो यूं होगा, यूं। इस पे डीएनए बनाना शुरू होगा तो यूं, बोलो भाई। यस सर। नहीं, यस सर। ये जो नया डीएनए बना, किस डायरेक्शन में बना, किस डायरेक्शन में बना, 3 to 5। और ये नया डीएनए किस डायरेक्शन में बना, किस डायरेक्शन में, सॉरी, ये नया डीएनए जो बना वो 5 to 3 बना। ये भी नया किस में बना, 5 to 3 बना। फिर से आप मुझे बताइए, मैं फिगर थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, ध्यान से बताइए। ये डीएनए का एक धागा, ये डीएनए का दूसरा धागा, डीएनए का ये टर्मिनल इसका 5' है, ये टर्मिनल इसका 3' है, ये 3' है, ये 5' है। किसी को एतराज हो तो बताइए, बोलिए। नो सर। अब बताइए, अब दूसरी बात बताइए, डीएनए बनना इस पे कहां से शुरू होगा, ए यहां से होगा। क्यों भाई, टेम्पलेट हमेशा किस डायरेक्शन में यूज होता है, 3 to 5। तो ये जो नया डीएनए बना वो किस डायरेक्शन में बना, 5 to 3। अब बताओ इस पे कहां से बनना शुरू होगा, यूं, बोलो। यस सर। किस डायरेक्शन में बना, 5 to 3। ये बात तो आप, ये तो एक लेक्चर पहले आप कह चुके थे, डीएनए नया स्टैंड हमेशा 5 to 3 बनेगा, चाहे जहां बनाओ, याद है, चाहे लीडिंग पे बनाओ, चाहे लैगिंग पे बनाओ, बोलिए। यस सर। चाहे लीडिंग पे बनाओ, चाहे लैगिंग पे बनाओ, ओके, बोलो भाई। क्लियर है ना, चलिए। तो एक बात इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, चाहे जो करिए आप, नया डीएनए तो 5 to 3 ही बनेगा, और टेम्पलेट हमेशा इस्तेमाल होगा 3 to 5 में। टेम्पलेट पे भी प्राइमर बनेगा, प्राइमर की बात छोड़, बनवाना तो प्राइमर के बगैर तो काम होगा नहीं, हम उस पे आ रहे हैं। पहले मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, सुनिए, कहना क्या चाह रहा हूँ कि डीएनए दोनों पे एक साथ बनाइएगा, ओके, एक साथ बनाएगा। तो मैं ये लिख लूँ, पहले जो बात मैंने कह दिया वो लिख लूँ, और वो लिख लेता हूँ। क्या लिखना था भाई, चौथा पॉइंट ये आपने लिखा, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ऑन बोथ द टेम्पलेट साइमल्टेनियसली, ओके ना, दोनों पे साइमल्टेनियसली। और अब ये ओपन होता जाएगा, फिर खुलता जाएगा, ओपन होता जाएगा, डीएनए बनता जाएगा, ओपन होता जाएगा, डीएनए बनता जाएगा। क्लियर है, मैं ये लिख दूं कि आप आइदर लीडिंग और लैगिंग टेम्पलेट, आइदर लीडिंग और लैगिंग टेम्पलेट, लैगिंग टेम्पलेट It is always used in a 3 to 5 direction so that बोलिए आगे बताइए, so that new stand is always 5
टू थ्री डैश डायरेक्शन, चाहे लीडिंग पे बनाओ चाहे लैगिंग पे बनाओ। एक बात और इंटरेस्टिंग देखिएगा, मैं फिगर बना के बात कर रहा हूँ, ये है, ये कौन सा स्टैंड है लीडिंग, ये कौन सा स्टैंड है लैगिंग, लैगिंग, और आगे अभी खुलना बाकी है, वो आगे पीछे देखा जाएगा क्या होगा। ओके, यहाँ है एडेनिन तो यहाँ क्या होगा थाइमिन, यहाँ ग्वानिन है यहाँ क्या होगा साइटोसिन, यहाँ साइटोसिन है यहाँ क्या होगा ग्वानिन, यहाँ साइटोसिन है यहाँ क्या होगा ग्वानिन, यहाँ थाइमिन है यहाँ क्या होगा एडेनिन, यहाँ थाइमिन है यहाँ क्या होगा एडेनिन। कोई हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा? ये बोलो भाई, ये दोनों धागे आपस में जुड़े हुए थे तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि नहीं? ये कौन सा टेम्पलेट, ये कौन सा टेम्पलेट है, लीडिंग या लैगिंग? लीडिंग, लीडिंग टेम्पलेट है, बोलो भाई लीडिंग। ये कौन सा टेम्पलेट है, लैगिंग है या लीडिंग है? लैगिंग टेम्पलेट। ओके, चलिए नया स्टैंड डीएनए का बनाइए, इस पे यूं बना और इस पे यूं बना, कोई एतराज आपको? नो सर। ये बताइए डीएनए बना के दिखाइए, यहाँ थाइमिन, यहाँ साइटोसिन, यहाँ ग्वानिन, यहाँ ग्वानिन, यहाँ एडेनिन, यहाँ एडेनिन, कोई एतराज है आपको? नो सर। ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने नया धागा बनाया है ध्यान से देखिएगा, क्या ये धागा लैगिंग टेम्पलेट के इक्वल है? यस सर। बोलो भाई, देख के बताइएगा, कुछ कहने वाली बात नहीं है, बोलिए। यस सर। ये थाइमिन, ये साइटोसिन, ये साइटोसिन, ये ग्वानिन, ये ग्वानिन, ये ग्वानिन, ये ग्वानिन, ये एडेनिन, ये एडेनिन, ये एडेनिन, ये एडेनिन, एडेनिन, बोलिए भाई। यस सर। क्या मैं ये लाइन लिखूं मोहिनी, क्या मैं ये लाइन लिखूं कि लीडिंग टेम्पलेट पे जो नया स्टैंड बनेगा वो लैगिंग टेम्पलेट जैसा होगा? यस सर। बोलिए अफरा नेहा। यस सर। नेहा बोलिए। यस सर, समझ गए। जो जो लीडिंग टेम्पलेट पे नया स्टैंड बनेगा वो सिमिलर होगा किसके? लैगिंग टेम्पलेट के, लीडिंग पे जो बनेगा। चलो एक काम और करो, एक काम और करो, जरा इस पे डीएनए नया वाला बना के दिखाओ, ये एडेनिन, ये ग्वानिन, ये साइटोसिन, अरे भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही तो बनेगा, ग्वानिन के सामने क्या साइटोसिन, एडेनिन के सामने क्या थाइमिन, और एडेनिन के सामने क्या थाइमिन। एक काम क्यों नहीं करते, जरा कंपैरिजन करके देखो, क्या ये जो लीडिंग लैगिंग टेम्पलेट, लीडिंग टेम्पलेट है, ये और ये सेम नहीं है? यस सर। यस सर, सेम है। तो क्या ये लाइन अब मैं लिख लूं, द लीडिंग टेम्पलेट पे जो नया स्टैंड बनेगा वो लैगिंग टेम्पलेट जैसा, और बोलो भाई, और जो लैगिंग टेम्पलेट पे बनेगा वो लीडिंग टेम्पलेट के जैसा, लीडिंग टेम्पलेट जैसा। यस सर। ये भाई एकदम क्लियर करते जाइएगा हमें। चलिए आप सही कह रहे हैं, तो मैं मुझे ये लिखना चाहिए, बोलिए अगला पॉइंट लिखूं मैं, अगला पॉइंट लिखूं, बोलिए क्या लिखूं, कि ऑन लीडिंग टेम्पलेट द न्यू स्टैंड सिंथेसाइज्ड इज सेम टू, बोल दो भाई अब हमें, सेम टू लैगिंग स्टैंड, लैगिंग टेम्पलेट, बोलिए। यस सर। लैगिंग टेम्पलेट एंड रिवर्स इज ट्रू, एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू,
और इसका अगर अपोजिट लिख दोगे तो वो भी सही है। बोलिए अपोजिट क्या लिखोगे, जल्दी बताइए, बोलो भाई। फिर से पूरा बोला, ऑन लैगिंग टेम्पलेट द न्यू स्टैंड सिंथेसाइज इज सेम टू लीडिंग टेम्पलेट। ओके ना? यस सर। ठीक, तो आप याद रखिएगा लीडिंग पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, लैगिंग, और लैगिंग पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, लीडिंग। ओके ना? चलिए एक पॉइंट और बताइएगा, एक पॉइंट और बताइएगा, लेकिन हमें लगता है समझ लिया जाए तब लिखा जाए, बिना समझे लिखना तो बेकार है। मैं अब सुनिए क्या कह रहा हूं, सुनिएगा, ये एक ये डीएनए है, ध्यान से मेरी बात सुनते चलिएगा, ये डीएनए है, ये थोड़ा सा ओपन हुआ, बोलते जाइए, थोड़ा सा ओपन हुआ, थोड़ा सा ओपन है, ये कौन सा टर्मिनल, 3', ये कौन सा टर्मिनल, 5', ये कौन सा स्टैंड, लीडिंग, ये कौन सा स्टैंड, लैगिंग, लैगिंग, ये वाला लीडिंग, ये वाला लैगिंग, दूसरा वाला लैगिंग। ओके ना? चलो और एक बात और क्लियर करूं, आइए इस पे एक बात और क्लियर। अब यहां से डीएनए बनना शुरू होगा, ये डीएनए बनेगा, यहां से डीएनए बनेगा, ये डीएनए बनेगा, ये नया स्टैंड, ये यहां आके रुक गया, इसके बाद क्या होगा जरा बताते चलिएगा, सोचते चलिएगा क्या होगा, ये जो डीएनए था थोड़ा और ओपन हो गया, थोड़ा और ओपन हो गया, बोलो भाई सही कह रहे हैं? यस सर। थोड़ा और ओपन हो गया, जब ये थोड़ा और ओपन हो गया तो अब इस पे ये डीएनए बन रहा था, ये बन रहा था, ये बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, ये बनता जा रहा है, ये बन, अरे वे खुलता जा रहा, बनता जा रहा, बनता जा रहा, बनता जा रहा, इस पे क्या हुआ था, इतना बन के रुक गया, बेजार से बात है, खत्म। उसके बाद यहां से क्या होगा, ये इतना बन के रुक जाएगा, बोलिए। यस सर। ये बन के रुक गया, उसके बाद ये थोड़ा से और कार्यक्रम हुआ, थोड़ा से और कार्यक्रम क्या हुआ कि ये डीएनए आपकी पूरा ही ओपन हो गया, ये लीजिए पूरा ही ओपन हो गया, ये कौन सा टेम्पलेट था, ये कौन सा टेम्पलेट था, लीडिंग, ये कौन सा था, लीडिंग, लीडिंग, ये कौन सा था, लैगिंग, लैगिंग, लैगिंग। एक बात बताइए, इस पे डीएनए बनना शुरू हुआ, ये खुलता गया और लगातार बनता गया, ये देखिए ये बन गया, और ये इस पे डीएनए पहले यहां से यहां बना था, फिर यहां से यहां बना, फिर यहां से यहां बना, बताइए इस पे जो नया डीएनए बना वो सिंगल पीस में कि टुकड़े टुकड़े में, पीसेस में, पीसेस में, ये बताओ लैगिंग, लैगिंग जो है लैगिंग टेम्पलेट पे जो बनेगा वो पीसेस में, और जो लीडिंग पे बनेगा वो, बोलिए, एक बार में बन जाएगा, सिंगल पीस, एक बार में बन जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कहनी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी है, जल्दी जल्दी पॉइंट्स वाइज बातें करिए। और तो आप लिखे न्यू स्टैंड, न्यू स्टैंड is synthesized, is synthesized in continuous method, in continuous method, continuous method, continuous method on leading template, on leading template, बोलिए सही है, बोलो भाई। Yes sir. On leading template, okay ना, leading template, clear है? Yes sir. थोड़ी सी एक बात और बता देते हैं, DNA बताइएगा फिर मैं इसे हटा लूंगा, ये DNA है, ये आपने कहा नया धागा बनाना है, तो पहले प्राइमर बनाइए, पहले क्या बनाइए,
प्राइमर, उसके बाद डीएनए बनाना शुरू करिए। ओके है डीएनए। क्या आगे प्राइमर की फिर जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी मोहिनी? नो सर, एक बार बनना शुरू हो गया तो फिर कोई जरूरत नहीं। बोलिए। यस सर। नेहा, शिरीष, यस सर, जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, एकदम कंफर्म ना? यस सर। कल हमने क्या एग्जांपल दिया था? ये दरवाजे के ऊपर जो दीवार बनी थी उसका एग्जांपल दिया था? यस सर। ठीक है, ये दरवाजा है, ये दरवाजा, इसके ऊपर आपने एक प्लेट लगाई लकड़ी की, ठीक है, फिर आपने इस पे दीवार उठाया। बोलिए, बोलते जाइए। यस सर। और बोलते जाइए। और जब अगला दरवाजा फिर बनाना पड़ेगा तो फिर आपको बेस की जरूरत नहीं बनेगी? बोलो। यस सर। अब जब दरवाजे को ऊपर दोबारा दरवाजा बनाना पड़ेगा तो फिर बेस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इसके ऊपर बन जाएगा। पड़ेगी ना? यस सर। मुझे कोई एक सेंटेंस सुना के बताओ इस बात के लिए। एक बार अगर बेस मिल गया तो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी जब तक इसे रोका न जाए। अगर एक बार फिर से रोक दिया तो फिर से जरूरत पड़ेगी किसकी? प्राइमर की। प्राइमर। अगर आपने रुक रुक कर किया तो क्या होगा? प्राइमर रिक्वायर्स। प्राइमर रिक्वायर्स अगेन एंड अगेन। और अगर आपने कॉन्टिन्यूस किया तो नो नीड ऑफ प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरा हमें बताते, हमें बताइए ये बताइए, ये डीएनए रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस करने जा रहे हैं? बोलिए, किस पे कॉन्टिन्यूस किया? लीडिंग टेम्पलेट। प्राइमर कितनी बार बनाना पड़ेगा? एक बार शुरू करते समय। ये बताइए, ये कितनी बार में आपने किया रेप्लिकेशन? तीन बार। कितनी बार प्राइमर बनाना पड़ेगा? एक बार यहाँ। कितने बार प्राइमर बनाओगे? बोलिए। तीन बार। ये प्राइमर कितनी बार बनाया जाएगा? तीन बार प्राइमर बनाया जाएगा। अच्छा, एक न्यूज आ रही थी वो पढ़ने लगा था, न्यूज का बड़ी तेजी से वेट कर रहा था। संस्कृति है कि नहीं है? संस्कृति नहीं। तो नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया। हेलो, सितंबर 13 सितंबर सितंबर में पोस्टपोन हो गया। सब बढ़िया है, बच्चे पढ़ते रहे लगातार। और पढ़ ले। हाँ, और पढ़ ले, सही कह रहे हो। पॉजिटिव माइंड सेट तो यही है, पढ़ते ही रहे। हाँ, पढ़ते ही रहे, ये भी है। और मुझे तो 16 सितंबर को होता हुआ भी नहीं दिख रहा है, ये जाएगा 10 अक्टूबर। ओके, चलिए। तो और अब तक जितनी बातें मैंने कही हैं वो सही ही निकली है। तो हमारे पास सर, हमारा भी ऐसे पोस्टपोन होगा? नहीं, आपके बैच के लिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस खाली कभी कभी मैंने पूछ लेता हूँ कि जिसका क्लास हुआ कि नहीं हुआ। तो अच्छा, बहरहाल, न्यू स्टैंड इज सिंथेसाइज इन कॉन्टिन्यूस मेथड ऑन लीडिंग टेम्पलेट। ओके, तो अब मुझे आगे बताइए। अब मैं आगे कुछ लिख रहा हूँ, उस लिखे हुए सेंटेंस को सही या गलत, सो दैट
so that primer is synthesized, once only. क्या मैंने सही लिखा है? Yes, sir. बोलिए, प्राइमर की कितनी बार जरूरत पड़ेगी? एक बार. एक बार. चलिए दूसरी बार बताइए. ये अब दूसरा सेंटेंस आप खुद ही लिखवा दीजिए. दूसरा सेंटेंस आप खुद ही लिखवा दीजिए. क्या जल्दी से बताइए कि on lagging template new stand synthesized is, बोलते जाइए. New stand synthesized is in discontinuous method. In discontinuous method. बोलो भाई. Yes, sir. In discontinuous method. So that. बोलिए. So that. Primer is synthesized many times. Primer कई बार. एक मैं फोन उठा लूं प्लीज. मोहिनी. यस सर. हमने माइक ऑफ कर दिया था वरना आप हमारे जासूसों की बात सुन लेते हैं. तो हेलो. यस सर. यस सर. शिरीष कान लगाए हुए थे सर बट सुनाई नहीं दे रहा था. तो ये हमारे सब जासूस थे जो डे के एंड में सब रिपोर्ट करते हैं. हाँ तो ये ऑन लैगिंग न्यू सिंथेसाइज्ड स्टैंड इज इन डिसकंटीन्यूअस मेथड सो दैट प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड मेनी टाइम्स. कितनी बार प्राइमर बनेगा?
कुछ अंदाजा है? जितनी बार सर डीएनए सिंथेसाइज रुकेगा सर, जितनी बार में डीएनए ओपन होगा, ओके? यस सर। बोलिए, क्लियर है? तो एक बात, दूसरी बात है, एक बार में जितना डीएनए ओपन होता है उसे आप कहते क्या हो? निक कहते हो। क्या कहते हो? निक। कुछ याद है, कहीं मैंने लिखा था कल? यस एक सर। बार में जितना ओपन होता है डीएनए उसे क्या कहते हैं? निक कहते हैं। तो ये बताइए कितनी बार प्राइमर आपको बनाना पड़ेगा? कितनी बार प्राइमर बनाऊंगा? जितने निक, बोलो भाई। आफ्रा, कुछ क्लैरिफाई हुआ? यस सर। कितनी बार प्राइमर बनाना पड़ेगा? जितना निक रहे। जितने निक्स हैं। नहीं, मैं कुछ और भी कहना चाह रहा हूं, वो सुनिए प्लीज। ये सुनिए, डीएनए, ये वाला तो डीएनए एक टुकड़े में मिला है, बोलिए। यस सर। ये कई पीसेस में मिला है, एक दो तीन, कितने पीसेस में मिला है? थ्री। तीन। तीन पीसेस। तीन तो ये मैंने फिगर में बनाया ना, आपको क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए एज मेनी फ्रेगमेंट्स एज द नंबर ऑफ निक्स, बोलिए। यस सर। कितने टुकड़े मिलेंगे? यस सर। निक्स होंगे। एक बात बताओ, जितने टुकड़े उतने निक्स, उतने ही प्राइमर। यस सर। राइट। चलो अब मैं लिख रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ, नहीं नहीं लिखूंगा, सॉरी, पहले मुझे दूसरी बात बताओ, दूसरी बात बताओ, एक बात बताओ आफ्रा, आफ्रा ये कौन सा टेम्पलेट है? सुरेश, ये कौन सा टेम्पलेट है? आपको पॉइंटर नहीं दिखता। ये कौन सा टेम्पलेट है? ये कौन सा टेम्पलेट है? ये जो नया स्टैंड बना है ये क्या है? लीडिंग पे लैगिंग और लैगिंग पे लीडिंग के जैसा। लीडिंग, जरा चार स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बड़ा बढ़िया बढ़िया, आप मुझे बताइएगा क्या। बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस ऑन सिंथेसिस ऑन लीडिंग टेम्पलेट, सही या गलत? यस सर। सही है। यस सर। दूसरा स्टेटमेंट, डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस ऑन लैगिंग टेम्पलेट, सही या गलत? सही। तो सही है। सही है। कोई परेशानी? नो सर। चलो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। क्या ये मैंने सही कहा है? यस सही है। बोलिए मोहिनी, नेहा, स्नेहा भी तो आज है। यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आनंद, ये बोलो भाई, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस से जो नया स्टैंड बना वो लैगिंग या लीडिंग? लैगिंग। याद रखिएगा, ये वाली लाइन लोगों को ज्यादा याद रहती है, ये वाली लाइन कम याद रहती है, और उल्टा पुल्टा हो जाता। ये बताइए कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस किस पे होती है? लीडिंग टेम्पलेट पे। कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस से नया स्टैंड जो बनता वो कौन सा? लैगिंग ना। चलो एक और बात बताओ, एक बात और इम्पोर्टेंट बताइए, सुनिए। अब अगला वाला तो आप खुद ही लिखा दोगे, बोल दीजिए, कोई बोले हम लिख दे। डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ, बोलिए, लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड, ये बहुत बढ़िया सा सवाल है। पिछले साल हमने टेस्ट पेपर में सवाल पूछ दिया, सब भुनभुनाने लगे, ये कौन सा सवाल पूछ दिया आपने? आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस यस सर। एकदम क्लियर? यस सर। यस सर। चलो एक लाइन और लिख रहा हूं। On lagging template, discontinuous synthesis leads to new strand into fragments. तो न्यू स्टैंड इनटू फ्रेगमेंट्स, तो फ्रेगमेंट्स में ये इस तरह से राइट ना, न्यू स्टैंड इनटू फ्रेगमेंट्स कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर, क्या बोलिए? ओकाजाकी, ये डीएनए टुकड़े टुकड़े मिला, ये किसने बताया था? ओकाजाकी ने। तो इन टुकड़ों को क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं लिख रहा हूं बहुत ध्यान से सर। नंबर ऑफ ओकाजाकी fragments, number of Okazaki fragments will be equal to number of nicks. सही है? Yes sir. अरे भाई ये कितने टुकड़े मिलेंगे? जितने nicks होंगे, जितना nicks होगा. And same number of RNA primers synthesized on the lagging template. बोलो भाई, लैगिंग टेम्पलेट पे। अब बताइए लैगिंग टेम्पलेट पे कितने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स? जितने निक्स। जितने निक्स, कितने प्राइमर? जितना निक्स। जितने निक्स या जितने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, बोलिए। यस सर। यहाँ प्राइमर कितनी बार बनाना पड़ेगा? जितने फ्रेगमेंट्स होंगे, जितने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या जितने निक्स, ये बताओ डीएनए रेप्लिकेशन में कुल कितने प्राइमर्स बनाने पड़ेंगे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स प्लस वन। यस सर। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स प्लस वन, फिर से बताइए, हाउ मेनी आरएनए प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड फॉर लीडिंग टेम्पलेट? नंबर ऑफ वन। हाउ मेनी जो है क्या कहते हैं कि RNA primers are required for lagging template? As number of Okazaki fragments. Total kitne chahiye? One plus Okazaki fragments. Wo jo one aapne kiske liye likha hai? Leading template ke. Okay na? Ab ye sab likhne ki zarurat to nahi hai? No sir. Ho jayega? Yes sir. Yes. हो जाएगा ना? और ये तो एक पॉइंट तो लिखना है, लेकिन एक पॉइंट लिखना है क्या, और ये लिखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ऑन सॉरी टेक्स प्लेस
takes place in continuous method. रिपीट ही हो रही है क्या सारी बातें? इन कॉन्टिन्यूस मेथड, कॉन्टिन्यूस मेथड ऑन लीडिंग टेम्पलेट. आप कहोगे ये सेंटेंस तीसरी बार लिख रहे हैं आप, लीडिंग टेम्पलेट एंड डिसकॉन्टिन्यूस ऑन, बोलो भाई, लैगिंग टेम्पलेट, अ डिसकॉन्टिन्यूस ऑन लैगिंग टेम्पलेट, लैगिंग टेम्पलेट, बोलिए सही लिख रहे हैं? यस सर. लैगिंग टेम्पलेट. सो ओवरऑल, सो ओवरऑल सेमी डिसकॉन्टिन्यूस, बोलो भाई, ये बताइए ओवरऑल सिंथेसिस कैसी है? डिसकॉन्टिन्यूस, सेमी डिसकॉन्टिन्यूस, सेमी डिसकॉन्टिन्यूस. व्हाई? डिसकॉन्टिन्यूस ओवरऑल कैसा है? सेमी डिसकॉन्टिन्यूस, सेमी डिसकॉन्टिन्यूस. एक्सप्लेन्ड बाई, और इसको एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन्ड बाई ओकाजाकी, एक्सप्लेन्ड बाई ओकाजाकी. किसने एक्सप्लेन किया? ओकाजाकी, ओकाजाकी ने. एक बात बताओ, हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन इज, ये लाइन लिखी है आपने? यस सर. डीएनए रेप्लिकेशन इज, पहला यूनिडायरेक्शनल होता है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि नहीं कर दिया? यस सर. यस सर, एक्सप्लेन कर दिया, बोलिए. यहाँ दूसरा, सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये अभी एक्सप्लेन नहीं किया. ये बताइए सेमी डिसकॉन्टिन्यूस होता है, ये एक्सप्लेन हो गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, how sir. will you prove that it is semi-discontinuous? Yeah. कैसे प्रूव करोगे? आप कहोगे एक धागा मुझे पूरा मिला, एक टुकड़े टुकड़े मिला, इसका मतलब एक कॉन्टिन्यूस हुआ, एक डिसकॉन्टिन्यूस हुआ, ओवरऑल कैसा हो गया? Semi-discontinuous. एक बात और बताओ, ऑटो कैटालिटिक वाला भी एक्सप्लेन कर दिया था? Yes, sir. अब क्या बचा? Semi-conservative. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आप आज आपको एक होमवर्क दे दूं, नेहा, yes sir, डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म लिखिए, तो क्या लिखोगे? हम ओरल बता दें, आप लिख डालिएगा, बताएं? Yes. ओरल बता दें आपको, आप लिख डालिए, बोलिए भाई क्या लिखोगे, बोलिए. सर आप बताने वाले हैं वो तो. अच्छा मैं ही बताने वाला हूँ, सॉरी. तो मैं ये कह रहा था कि आप लिखोगे कि एक डीएनए जहां से रेप्लिकेशन करेगा उस जगह का नाम है क्या, जो उस जगह का नाम क्या होगा? ओरिजिन. जितने पार्ट का डीएनए रेप्लिकेशन होगा उसका नाम होगा क्या? रेप्लिकॉन. 13 एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, उसे क्या कहते हैं? रेप्लियोसोम. इन 13 एंजाइम्स में दो एंजाइम्स बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है दैट इज फॉस्फोराइलेज और एक है फॉस्फेटेज. डीएनए रेप्लिकेशन की जगह है क्रोमोसोम. डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड. रॉ मटेरियल इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए. न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोटाइड को लाने के लिए इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइफॉस्फेट कॉल्ड एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड विद द हेल्प ऑफ, सॉरी, बाय कंज्यूमिंग 2 एटीपी इक्विवेलेंट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज एंजाइम. ओके? यस सर. Phosphorylation and this triphosphate is transported to the replication site where the two phosphate bonds are hydrolyzed, are broken, releasing the energy for bond formation for DNA replication as well as releasing the nucleotide as raw material. So this triphosphate has a dual function. Yes, sir.
ओके यस इतना तो इतनी तो शुरुआत करोगे फिर आप कहोगे डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत ओरी साइट से होती है ओरी साइट से माउथ ऑफ रेप्लिकॉन को ओपन करने का काम किसने किया हेलिकेज एंजाइम ने हेलिकेज एंजाइम इज एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर अनवाइंडिंग प्लस आयन सेल कैन नॉट प्रोवाइड सच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सो द अनवाइंडिंग टेक्स प्लेस इन फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स में होता है एक बार में जितना ओपन हो पाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज निक कहा जाएगा आफ्टर ओपनिंग द सिंगल स्टैंड हैज टू फॉर्म द सुपर कॉइल्स का रिलैक्सेशन करने का काम किसने किया टोपोइसोमरेज ने कैसे किया बाय ब्रेकिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ द टेम्पलेट पहले तोड़ा सीधा किया फिर जोड़ा और इस तरह से एक वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया लेकिन ये दोनों सिंगल स्टैंड्स आपस में जुड़ ना जाए इसको बचाने के लिए एक एंजाइम SSB की जरूरत पड़ेगी सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन ओके बोलिए यहां तक क्लियर है यस सर आगे और बढ़ाइए फिर उसके बाद वंस द रेप्लिकेशन फॉर्क इज फॉर्म्ड A part of DNA is single-stranded available as template. The DNA replication will start simultaneously on both the templates. Okay? Yes, sir. Present. And before DNA replication, at first the RNA primer is synthesized. RNA primer is on both leading and lagging strands to start the DNA replication. This primer is synthesized with the help of primase enzyme. Primase enzyme synthesizes RNA primer. RNA primer works as a base for attachment of nucleotides by DNA polymerase 3. Yaad hai? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then yes, DNA polymerase 3 will replicate the entire template. But in case of leading template, that it is opening continuously and the synthesis is continuous. Once the primer is synthesized, the replication starts. Once the replication is started, there is no need of primer further. Further it is primer. Deleted and digested during proofreading by DNA polymerase 1. And the gap of RNA primer is re-replicated by DNA polymerase 1. Boliye? Yes, sir. Aage fir se bata dete ek aur baar. DNA, फिर उसके बाद क्या होगा लेकिन लैगिंग टेम्पलेट पे क्या होगा बोलिए मैं पढ़ा चुका हूं सब इसीलिए रिपीट कर रहा हूं प्लीज लैगिंग स्टैंड पे टुकड़े टुकड़े सिंथेसिस होगी उन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं और टुकड़े टुकड़े सिंथेसिस होगी तो आरएनए प्राइमर बार बार बनाया जाएगा डिलीट किया जाएगा बनाया जाएगा कितनी बार बनाया जाएगा जितने निक्स कितनी बार बनाया जाएगा जितने ओकाजाकी बताइए ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन कैसा हो गया सेमी डिस्कंटीन्यूअस कैसे पता चला एक धागा मुझे नया वाला पूरा मिला एक धागा टुकड़े में मिला इसका मतलब एक जगह डिस्कंटीन्यूअस एक जगह कंटीन्यूअस ओवरऑल कैसा हो गया सेमी डिस्कंटीन्यूअस सेमी डिस्कंटीन्यूअस किसने बताया था ये ओकाजाकी ने बताया था am I right yes sir एकदम सबनी क्लियर है और इसके बाद क्या होगा ये क्या डीएनए टुकड़े टुकड़े रहेगा नहीं पहले प्रूफ रीडिंग होगी डीएनए कंप्लीट होगा उसके बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम इन टुकड़ों को जोड़ देगा और इस तरह से मुझे डीएनए के दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे ओके यस सर Yes. डालेंगे आप लोग यस सर क्लियर एकदम ना सब लोग लिख के हेलो यस सर सारे लोग लिख के हमारे नंबर पे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे किसी ग्रुप में नहीं ग्रुप में कर देंगे तो दूसरा वही कॉपी कर देगा ओके यस सर ग्रुप में नहीं सर कब भेजना है आपको कल शाम को भेजिए
सर हमारे टेस्ट एजेंट है वो. अरे टेस्ट में क्या शायद ये कंफर्म नहीं किया अभी कंफर्म नहीं बताया. अरे अभी आप क्या सब सर लोग नाराज हैं आप चिंता ना करो. और टेस्ट नाराज हैं नाराज क्यों हैं क्यों आज क्लास हुआ नहीं तब सर जीते कोई रीजन बताया नहीं वो लोग कुछ नहीं बताते बताते तो तब इसका मतलब कुछ गड़बड़ है. एनालिसिस हमको तो वेलकम वेलकम करते हैं आ गए भैया जी आ गए वेलकम करिए बड़े लोग आ गए हैं. आज तो होता रहता है बड़े बड़े शहरों में होती है. अरे सर हम ही को बोलते हैं यही तो दिक्कत है. हमारी भी तो होती है थोड़ी बहुत लेकिन तुमसे कम. अच्छा हमको तो बड़े लोग बोल के वेलकम करते हैं. कोई बात नहीं है थोड़ा प्राउड फील किया करो. हम सर बोल रहे थे कि मेरा मन कर रहा है कि हम एक घर ले लें जहाँ गार्डन हो बहुत सारे और वहाँ पर फ्रूट्स लगाएं. हमने पूछ दिया सर कहीं जा रहे हैं क्या. हाँ, तो वो थोड़ा अपने ख्वाबों का शहर बता रहे थे. थोड़ा बोल रहे थे सोच रहे हैं कि पैसा कमा ले मतलब कुछ चल लेवल नहीं रहा है फीस वीस से. अच्छा तो इसका मतलब आप लोग फीस जमा नहीं कर रहे हो ये तो और गलत. चलो कोई बात नहीं ठीक है ना वो आप लोग निपट लोगे. आप लोग सक्षम लोग हो मैं जानता हूँ बड़े बड़े लोग हो आप लोग कर लोगे. हाँ तो सुनिए डीएनए रेप्लिकेशन अब फाइनली बताइए डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिस्कंटीन्यूअस. एक टॉपिक बचा हुआ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव ना. यस सर डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव ये पॉइंट हमारा बचा हुआ है. चलिए इस पे थोड़ा डिस्कशन आज कर लेते हैं इससे हमें आगे चल के ज्यादा काम करना ना रह जाए. ओके यस सर. डीएनए रेप्लिकेशन पे तो फाइनली बताइए डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव यही बचा हुआ है. डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. पहले ये बताओ व्हाट इज दिस सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या बता दीजिए भाई. सर जो कंजर्व हो भी सके ना भी हो. अच्छा ऐसा हमें समझाते हो के सर वाली बात समझाते हो हमें. सर असर तो होगा ही अभी तो इनसे पढ़ रहे हैं. अच्छा हमारा असर नहीं हुआ उनका असर हो रहा ये तो गलत बात है. तो हाँ बोलिए किसने चैट पे भेजा क्या. हेलो आवाज आ रही. ये सर आ रही है. हाँ सर आ रही है. चलिए अच्छा तो ये डीएनए है. ये डीएनए आपने कहा दे ध्यान से सुनिए पूरा रेप्लिकेशन हो गया. ये डीएनए का धागा अलग हो गया ये डीएनए का दूसरा धागा अलग हो गया बोलो गए और एक एक धागा नया बन गया. एक एक धागा नया बन गया ये बताओ ये एक मॉलिक्यूल से डीएनए के कितने मॉलिक्यूल हो गए. टू टू और हर मॉलिक्यूल के पास पेरेंटल मटेरियल कितना है आधा बोलिए. यस सर. इस जो ये डीएनए बना है इसके पास पुराना धागा कितना है एक और नया धागा है एक. इसके पास पुराना धागा एक नया धागा एक. इसको कहते हैं पेरेंट डीएनए. इसको कहते हैं पेरेंट डीएनए. इसको कहते हैं डॉटर डीएनए. क्या कहते हैं डॉटर डीएनए. ये पेरेंट डीएनए ये डॉटर डीएनए. ओके पेरेंट डीएनए डॉटर. ये बताइए जो डॉटर डीएनए है उसने पेरेंटल मटेरियल कितना बचा लिया अपने पास. हाफ आधा
इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव. क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव. सेमी कंजर्वेटिव का मतलब पेरेंटल मटेरियल आधा बचा पाए आधा नहीं बचा पाए. आधा नया आधा पुराना. आप कुछ कहना चाह रहे हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ अनंत दो सर. किसी ने कुछ कहा तो शिरीष? नो सर. किसी ने कुछ कहा? आपस में बात कर रहे थे. तो ये बताइए, सुनिए, ये है डॉटर डीएनए और ये बताइए व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव. आफ्टर रेप्लिकेशन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए आर सिंथेसाइज इन विच Each molecule has one strand parental and one strand new. इसी को क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव. मैं इसका एक एग्जाम्पल दू. मान लीजिए ये एक मकान है, यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे किचन किचन है. दो भाइयों के बीच बंटवारा हो जाए तो क्या होगा? बोलो भाई. ले लेंगे एक को बाथरूम, एक को बाथरूम, एक को किचन. उसके बाद क्या होगा? ये अपना किचन बनवा लेंगे, ये अपना बाथरूम बनवा लेंगे. और जब रिश्तेदार आएंगे तो क्या कहेंगे? इनसे कहेंगे आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ, आपको किचन नहीं मिला. इनके यहाँ जाके कहेंगे आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ, आपको बाथरूम नहीं मिला. लड़ाई लगवा देंगे. रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं. अच्छा, दोनों के रिश्तेदार तो कॉमन ही होंगे. यस सर. दोनों के रिश्तेदार तो कॉमन होंगे जब भाई भाई थे तो. यस सर. तो इनके आके जाएंगे कहेंगे उन्होंने बड़ा अन्याय किया आपके साथ, आपको किचन नहीं दिया, नया बनवाना पड़ा. इनके साथ जाएंगे कहेंगे बड़ा अन्याय हुआ, आपको बाथरूम नहीं मिला. और ऊपर से एक कमेंट और करेंगे, आपका किचन तो बड़ा पुराना है और बाथरूम नया है. आपका किचन नया है, बाथरूम पुराना है. तो आधा नया आधा पुराना, आधा नया आधा पुराना, इसी को क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. समझ में आई बात? यस सर. तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. बोलिए. यस सर. ठीक है, चलिए बता दीजिए एक लाइन. सेमी कंजर्वेटिव मींस, सेमी कंजर्वेटिव मींस, बोलिए, मींस आफ्टर रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन टू डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इन विच टू डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इन विच बोलते जाइए मोहिनी बताते जाइए इन विच ईच मॉलिक्यूल हैज वन स्ट्रैंड पेरेंटल को मैं ओल्ड कह दूं. यस सर. वन स्ट्रैंड न्यू and one strand new versus new. Okay? Yes, sir. किसी को कहते हैं आधा बचा पाए आधा नहीं बचा पाए. सेमी कंजर्वेटिव. ओके. यस सर. स्टॉप करके लिखे. इट वॉज पहला लिखे. फर्स्ट ऑब्जर्व बाई लिख चुका हूं कहीं. वॉटसन. फर्स्ट ऑब्जर्व बाई वॉटसन एंड क्रिक. ये बात किसने देखा था? वॉटसन एंड क्रिक. लेकिन फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड. फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई, बोलो भाई, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई मेसेलसन एंड स्टॉल. मेसेलसन एंड स्टॉल ने प्रूफ किया था. एक्सपेरिमेंटली पहली बार किसने भी प्रूफ किया था? मेसेलसन एंड स्टॉल.
तीसरा लेटर ऑन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय बोलो भाई बोलो प्रूव्ड बाय टेलर एट ऑल एट ऑल मीन्स उनके साथी टेलर और उनके साथी यानी कई लोग थे टेलर एट ऑल तो पहली बार ये बात किसने बताई थी वॉटसन एंड क्रिक पहली बार प्रूफ किसने किया नेसलसन एंड स्टॉल पहली बार और बाद में किसने प्रूफ किया बोलिए टेलर एट ऑल तो अब हम अगले टर्न जब शुरुआत करेंगे तो मेसेलसन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट से शुरू ओके यस सर लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा चुका हूँ अरे इसी चैप्टर में पढ़ाया है यस सर यस सर तो वो एक बार रिपीट करके आइएगा ठीक है ओके सर डाउट किसी को है बोलो भाई नो सर चलो तो फिर जाओ मौज करो ठीक है थैंक यू सर थैंक यू सर